हम जान लेते हैं होता है क्या है सबसे पहले पीके ए तो जो पीके ए होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव यानी लॉग ऑफ के ए टू देश के ए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड ऑफ एन एसिड तो हमें क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में इन चारों कंपाउंड ए बी सी और डी के पी के ए कंपेयर करने हैं क्या करने हैं कंपेयर करने हैं अब हमें पता है कि के ए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड तो एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही बड़ा के ए वैल्यू और के ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के ए के क्योंकि वो नेगेटिव लॉग है ये दो रिलेशन हो गए हमारे पास तो हम एक नया रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं इन दोनों से कि जो एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है क्या है क्या वो प्रोपोर्शनल एसिडिकीके ए वैल्यू के यानी जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना उसका कम पी के ए होगा तो अब हम क्या करेंगे इन पर्टिकुलर जो फिनॉल है इन जो है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेंगे खत्म बात तो सारे ही फिनॉल है उनमें कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं तो जो ए है हमारे पास उसके सामने लिख देंगे एन ए सिर्फ फिनॉल सब्सिट्यूटेड नहीं है बी जो है हमारा बी क्या है बी है मेटानाइट्रोफिनॉल यानी सॉरी बी है हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल तो बी है पी नाइट्रोफिनॉल वहीं पे सी क्या है सी है हमारा मेटा नाइट्रोफेनॉल सी है मेटा नाइट्रो नाइट्रोफिनोल और डी है पैरा मिथॉक्सी फिनॉल मेथाफिनॉक्सी मेटा पैरा फिन, मिथॉक्सी फिनॉल ए है सिर्फ सिर्फिनॉल बी है पैराम नाइट्रोफिनॉल सी है मेटा नाइट्रोफिनॉल और डी है पैरामेथॉक्सीफिनॉल तो जब हम फिनॉल्स की चर्चा करते हैं तो फिनॉल हमारा एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि उसमें जो ये ओ से जुड़ा वाला एच है ये निकल जाता है ये निकल जाता है एज एच प्लस और हमारे पास जो अनायन मिलता है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करता है फिनॉक्साइड आयन कुछ इस प्रकार से तो ये बना देता है ऐसे हमारे पास डबल बॉन्ड ओ इस पर और यहां पर इस प्रकार से यहां पर नेगेटिव यहां पर ऐसे फिर फर्दर ये और रेजोनेंस करता है कुछ इस प्रकार से और हमें दे देता है यहां पर नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ और इसी प्रकार से काफी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाता है एंड सो ऑन लेकिन यहां पर हमें फिनॉल की रेज फिन की स्ट्रेंथ की चर्चा नहीं करनी है सब्सिट्यूटेड फिनॉल्स की चर्चा करनी है तो अगर देखा जाए तो एक तरह से दो ही तरह के ग्रुप होते हैं करेक्ट कौन कौन से होते हैं वो एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो के, के केस में इन दोनों में से कोई एक ग्रुप लगा होगा फिनॉल के साथ तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप की यानी वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लें तो अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है फिनॉल के साथ ओ एच जी अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है तो बेसिकली जैसे ही इससे एच निकलेगा एच निकलते ही यहां पर नेगेटिव ने ने आएगा वो नेगेटिव पहले तो रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग के साथ प्लस इस बार क्या होगा जो इसका ये जी जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप जो माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा वो क्या करेगा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा चार्ज डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो जो ये जो ओ वाली साइड है ये वाली साइड यहां पर चार्ज डेंसिटी घटेगी और कोई भी एनाइन केमिस्ट्री में यही चाहता है कि उस पर चार्ज डेंसिटी घटके वो स्टेबिलाईज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इनक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन क्योंकि वो फिनॉक्साइड से चार्ज अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन है तो फिनोक्साइड आयन पर जो ओ है उस पर चार्ज डेंसिटी कम करेंगे तो ये इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ फिनॉल्स या सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स

प्लस करते हैं लेकिन उनका माइनस आई जो होता है, होता है है वो डोमिनेंट शो इफेक्ट करने वाले, वाले ग्रुप अब चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अब ऐसा मान लीजिए कि हमारा यही बेनजी फिनॉल था सब्सिड्यूटेड फिनॉल उसमें लगा था कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एफ जो कि एफ यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ या कंफ्यूजन हटाने के लिए चलिए इसका नाम दे देते हैं कुछ और नाम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं एक्स तो ये वो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है ठीक है अब जैसे इसमें से ये एच प्लस निकला यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया जब ये एच प्लस हट गया मान लीजिए एच प्लस इससे हट गया तो नेगेटिव चार्ज आया अब ये ऑलरेडी अपने चार्ज से परेशान था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था हमारा ईडब्ल्यू जी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था उसमें इन्होंने और इलेक्ट्रॉन्स पुश करे और इलेक्ट्रॉन्स पुश करे तो चार्ज डेंसिटी और बढ़ गई ठीक है चार्ज डेंसिटी और बढ़ गई वो तो वैसे ही नेगेटिव से परेशान था एक्स ने और इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए तो क्या होगा ये पूरा डिस्टेबलाइज हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबिलाईजेज फिनोक्साइड आयन तो इलेक्ट्रॉन डोने तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्सिट्यूटेड फिनॉल्स यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं जो कि अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से प्लस एम प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जैसे कि ओ सी एच थ्री ये माइनस आई शो करता है लेकिन प्लस एम इसका मेजर रोल प्ले करता है तो ये प्लस एम इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माना जाता है सी एच थ्री प्लस आई इफेक्ट शो करता है वहीं पर हमारा एन एच टू ये भी ये ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं या प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और चार्ज चार्जनिस्टी बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ये तो हमने चर्चा कर ली इन इन सबके बारे में अब जो फिनॉल है फिनॉल में इन जनरल जो एक ऑर्डर होता है जनरल ऑर्डर जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो होता है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है फिर सिर्फ फिनॉल की होती है उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्सटीटेड फिनॉल्स यानी ऐसे फिनॉल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है फिर फिनॉल की होती है और फिर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ तो अब इधर देखा जाए तो ए में हमारा कुछ नहीं लगा है यानी ए हमारा फिनॉल हो गया बी और सी में नाइट्रो ग्रुप लगा है नाइट्रो ग्रुप होता है जो NO2 ये माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और माइनस एम माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं विद्रॉ करते हैं यानी जो नाइट्रो नाइट्रोसोल्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी सबसे ज्यादा होगी यानी अभी इन जनरल लिख सकते हैं ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का B कॉमस C इज ग्रेटर B और C क्या है हमारे कॉमा डी करेक्ट है अब बात कर लेते हैं डी की तो डी है मेथॉक्सी फिनॉल मेथोक्सी जो है की है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का केस हो गया ओ एम ई वाला प्लस एम इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसलिए स्टेबिलिटी घटाएगा यानी अभी जो ऑर्डर है अभी के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो थोड़ी देर अभी तक के लिए जो ऑर्डर है वो इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन डी डी सबसे कम उसके बाद A, फिर बी कॉमास में बात आती है पोजिशन की तो सी में, में मेटा पर लगा है और B में पैरा पर लगा है पैरा पर जब नाइट्रो लगा होता है तो वो माइनस एम और माइनस आई दोनों शो करता है वहीं पर जब मेटा पे लगा होता है तो सिर्फ नाइट्रो ग्रुप माइनस आई शो करता है यानी बी के केस में ज्यादा कारगर है यानी पैरा नाइट्रोफेनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा देट्रोफिनोल तो अब जो फाइनल ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का वो बनेगा

pKa values of in these respective substituted phenols. तो सबसे ज्यादा D, फिर A, फिर C और सबसे आखिरी में B. तो correct answer इस question के लिए हो गया B part. B part is a correct answer for this question. B सबसे कम pKa, D का सबसे ज्यादा pKa and B के बाद C, फिर A and सबसे maximum pKa, D का. तो ये जो ऑर्डर है वैल्यूज़ का वो एकदम करेक्ट है तो करेक्ट आंसर इज बी थैंक यू क्लास सिक्स टू से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर